नमस्कार, मैं मोनिका और आप देख रहे हैं केके न्यूज 24। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है, जहां पिपरी थाना क्षेत्र में हमने तुमको देख लिया, बस यही ईद मुबारक हो गई के तर्ज पर धूमधाम से कुर्बानी का दिन ईद उल अज़हा मनाया गया। जी हाँ, बताते चले कि कोरोना वायरस के चलते इस बार ईद का त्यौहार पहले से जैसे रौनक लेकर नहीं आया। मस्जिदों के इमाम और धर्म गुरुओं ने मुस्लिम समुदाय से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के तहत घर में ही नमाज अदा करने की बात कही। वहीं बाजार की बात करें तो कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न हुई मंदी का असर बाजार पर भी दिख रहा है। स्थानीय बाजारों सहित देश के सभी बड़े बाजारों में भी पहले जैसी चहल पहल नहीं दिख रही। बता दें कि रमजान माह के खत्म होने के लगभग 70 दिन के बाद बकरीद मनाई जाती है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल को इसी दिन खुदा के हुक्म पर खुदा की राह में कुर्बान कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि खुदा ने उनके जज्बों को देखकर उनके बेटे को जीवन दान दिया था। गौरतलब है कि हजरत इब्राहिम को 90 वर्ष की आयु में एक बेटा हुआ, जिसका नाम इन्होंने इस्माइल रखा। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल को इसी दिन खुदा के हुक्म पर खुदा की राह में कुर्बान कर दिया था। वहीं बकरीद के अवसर पर नगर के प्रशासन मुस्तैद दिखी, जहां पिपरी थाना प्रभारी शिक्षक अभय नारायण तिवारी व रेणु चौकी प्रभारी गिरधारी सिंह महफूज चौकन्ना रहे। हमारे रेणु कोट के सभी नगर वासियों को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 1/8/2010 को मुस्लिम धर्म के अनुसार बकरीद का पर्व मनाया जाएगा। इस क्रम में सभी दुकानदारों को, व्यवसायिक संस्थानों को तथा फुटपाथ के व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 1/8/2020 को किसी भी प्रकार की मेडिकल के अलावा कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। यदि किसी द्वारा कोई दुकान खोला जाता है या कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा अपनी दुकान या व्यवसाय चलाया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर से कठोर मेरे द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 2/8/2020 को केवल वार्षिक त्यौहार के संबंध में राखी की दुकान और मिष्ठान की दुकान खुलेगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई व्यापारी या व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा कोई अन्य दुकान नहीं खोलेगा। यदि मिष्ठान और राखी की दुकान के अलावा किसी व्यक्ति द्वारा, किसी व्यवसायिक द्वारा या व्यवसायिक प्रतिष्ठान द्वारा कोई दुकान खोला जाता है, प्रतिष्ठान खोला जाता है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध मेरे द्वारा कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जय हिंद, जय भारत। हम लोग को रोजी जो है, क्या नाम है आपका? MD अलाउद्दीन। आज कौन त्यौहार है आप लोग का? बकरीद है। क्या ये आज बकरीद में लोग आ रहे हैं कि कुछ ये कैसे हो रहा है, कुछ पहले की तरह कैसा है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। ये तो बस जिसकी आर्डर लिए है 10-20 साहब लोग का, तो ही आप पहुँचा दे। दुकानदार जो है बड़े लोग, उन्हीं लोग को अभी होम डिलीवरी करना है। आपका नाम क्या है? जी मैं हाफिज मजहर हुसैन, रेणुकूट। आज जो त्यौहार है, जो आज ईद उल हक्का, इसका इसके विषय में कुछ आप बताएंगे कि आज कैसा बीता, किस तरह के कार्यक्रम हुए आज? जी बहुत बहुत अच्छा, चूँकि अब वक्त के मद्देनज़र रखते हुए हालात पेश नज़र है, इस वक्त पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई है, तो ईद उल अज़हा का जहाँ तक की बात है, जिस तरीके से ईद उल फ़ित्र की नमाज़ अदा की गई, वैसे ही सारे लोग अपने अपने घरों में ईद उल अज़हा की नमाज़ जो है अदा किए हैं और शांतिपूर्वक सब अपने घर में कुर्बानी। इस त्यौहार में आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने लोगों? इस त्यौहार में लोगों को मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि ये कुर्बानी के मौक़े पर, ये चूँकि ये हर मुसलमान पर, हर मालिक निसाब पर फ़र्ज़ है, और मैं इस मुनासिबत से बात करना चाहूँगा कि इस मुबारक दिन के मौके पर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो इस वक्त पूरे लोग महामारी में जो जूझे हुए हैं, कोरोना वायरस जैसे ख़तरनाक बीमारी से जो लड़ रहे हैं, मौला जल्द से जल्द उनको राहत दे दे और हमारे मुल्क से ये बीमारी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए।